दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो में हम देखने वाले कुछ पौधों को उगाने के लिए काय पौधान का उपयोग किया जाता है क्यों। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं मतलब क्या कारण है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए काय पौधान का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों कुछ पौधों को उगाने के लिए काय पौधान का उपयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। इसका जो सबसे पहला कारण है कि कायक प्रवर्धन केवल ऐसे पौधों में ही संभव है। दोस्तों कायक प्रवर्धन केवल ऐसे ही पौधों में संभव है जिनके जड़ तना या पत्तियों में नए पौधे को उगाने की क्षमता होती है। दूसरा है दोस्तों कायक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे अनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं। तीसरा है यह पद्धति उन पौधों को उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे गुलाब चमेली संतरा एवं केला। चौथा है दोस्तों कायक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। पांचवा और आखिरी है कि कायक प्रवर्धन एक सस्ती विधि है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, सेकंड है चैनल पर सब्सक्राइब करना भूलें।